स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं खाइटन केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। आज इस स्टॉक में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगा, ₹7 ये स्टॉक माइनस है। आज ₹141 पे आज ये स्टॉक क्लोज हुआ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफी क्योंकि बहुत स्टॉक ये ऊपर आ चुका है, वैल्यूएशन इसका बढ़ चुका है, तो अभी बाय करना चाहिए या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप है, 1400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ₹144 का हाई स्टॉक ने लगाया है। 157 का हाई एक साल में और ₹20 का लो स्टॉक ने एक साल में लगाया है। ₹20 से बढ़ते बढ़ते 144 तक यह आ चुका है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 17.9 इसको 18 कंसिडर कर सकते हैं और ₹22 का बुक वैल्यू है। कंपनी ने थोड़ा सा बहुत डिविडेंड अनाउंस किया है, इसलिए 0.17 आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का ROC और ROE काफी अच्छा है, 20% के आसपास इसका ROC है और ROE इसका 15% है। ₹1 के फेस वैल्यू का ये स्टॉक है। कंपनी का डेप्थ की बात करें तो 124 करोड़ का डेप्थ है। पहले डेप्थ 202 करोड़ का था और 5 साल पहले 232 का था, यानी कंपनी का डेप्थ रिड्यूस हो चुका है। एसेट 500 करोड़ का है कंपनी के पास और 211 करोड़ का रिजर्व है। 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास और 0% प्लस है और सेल्स ग्रोथ कंपनी की आई है 55%। बात करें कंपनी के काम की, तो कंपनी का काम है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। यहाँ पे कंपनी क्या क्या बनाती है, सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके वेरिएंट्स बनाती है। बात करते हैं ये स्टॉक क्यों ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो काफी ऊपर के लेवल तक ये स्टॉक आ चुका है, इसका सेल्स काफी बढ़ चुका है, इस वजह से ये स्टॉक ऊपर आया है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 273 करोड़ का सेल्स आया है, जो कि काफी ज्यादा है पिछले दो साल की तुलना में। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का तीन क्वार्टर में अगर आप चेक करेंगे तो बढ़ चुका है और Q4 के नतीजे भी आने वाले हैं। मैं आपकी आपको दिखाऊंगा डेट कि किस डेट को ये रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको तुरंत उसी दिन वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि प्रॉफिट का है रिजल्ट या लॉस का है। तो Q4 के नतीजे पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q4 का नतीजा इस क्वार्टर की तुलना में अगर कमजोर आया तो शेयर प्राइस आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है, नीचे देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करता है, पिछले वाले से बेस्ट एक्सपेक्ट करता है। इस वजह से मार्केट में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो शेयर प्राइस हमें डाउन देखने को मिलता है। अभी तक कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, जिस तरह से पिछले तीन क्वार्टर के नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। और प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो 75% की प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। FII है 0.47 और DII है 0.01 और पब्लिक की हिस्सेदारी 24% है। अब एक न्यूज इस स्टॉक की आई है एक हफ्ते पहले कि जो डॉली खन्ना है, आपको ये पता होगा कि चेन्नई की ये इन्वेस्टर है और इन्होंने क्या किया है कि अपनी होल्डिंग दो स्टॉक में बढ़ाई है। पहला स्टॉक है शारदा क्रॉप, जैसा कि देख सकते हैं शारदा क्रॉप केमिकल, और दूसरा है खाइटन केमिकल। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में खाइटन की। तो उन्होंने क्या किया है कि 1.02% अपनी स्टेक उन्होंने खाइटन केमिकल में लगाई है। खाइटन केमिकल उन्होंने 1.02% बाय किया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 10 लाख के आसपास, यानी 989,591 शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं इस कंपनी के। कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो कंपनी का इम्प्रूवमेंट आप देख ही रहे, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ जा रहा है। पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 8 करोड़ का, फिर अगले साल 15 करोड़ का और पिछले साल 24 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो इसी तरह से अगर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता गया तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, कंपनी बढ़ती जाएगी, ग्रो होती जाएगी और 1000 तक ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है 2 से 3 साल में। तो रेवेन्यू भी बढ़ता जाए लगातार और प्रॉफिट भी, तभी ऐसा होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस स्टॉक को ASM लिस्ट के स्टेज 1 में डाला जा चुका है ताकि इसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाए। बात करें आज के दिन कितना डिलीवरी उठाया गया, तो 56% का यहाँ डिलीवरी उठाया है और 81,000 क्वांटिटी और वॉल्यूम कितना है 1,42,000 का। तो कंपनी की यहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुकी है और इसमें दो बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात यह है कि डिविडेंड कितना अनाउंस करना है, अभी तक ये नहीं कंपनी ने डिसाइड किया कि डिविडेंड कितने रुपए का देना है। ये बात तो कंफर्म है कि कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन कितना अमाउंट होगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये 22 तारीख की डेट को आपको पता चल जाएगा मीटिंग में, और 22 तारीख को कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी यहाँ पर बताएगी, Q4 के नतीजे भी मतलब कंपनी अनाउंस करेगी। तो 22 तारीख को आपको यहाँ पे स्टॉक पे फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर जो भी नतीजे आएंगे अच्छे या खराब तो उससे शेयर प्राइस पे आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा। आ चुके हैं हम इस स्टॉक के चार्ट पे। अब हमें ये समझना होगा कि आगे इस स्टॉक में क्या देखने को मिल सकता है। देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये बताऊं आपको कि आप बाय कर लीजिए या सेल कर लीजिए,
मैं आपको प्राइस बता सकता हूँ कि प्राइस कैसे ऊपर और नीचे इसमें मूव कर रहा है और आगे क्या प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, मैं केवल एनालिसिस के थ्रू इतना बता सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर इस लेवल से आप देखेंगे तो ये स्टॉक इस लेवल तक गया था एक अच्छे मोमेंटम के साथ, मुश्किल से ये 10 दिनों में, 10 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक इतना ऊपर गया था। और अगर आप काउंट करेंगे तो ये 65 से लेकर के कितना है 120 के ऊपर तक, यानी 60 रुपए ये स्टॉक बढ़ गया था। उसके बाद देखिए ये फ्लैग पैटर्न था, इतना फ्लैग पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया। अगर पॉइंट देखेंगे तो ये 100 है और ये पॉइंट है 135 के आसपास, यानी अगली बार हमें 35 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ जब यहाँ का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद फिर एक फ्लैग पैटर्न बना बड़े मोमेंटम के साथ, यहाँ पे हमें होल देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग देखने को मिला, उसके बाद इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे। तो इस लेवल से गया ये स्टॉक यहाँ तक, यानी कि 125 से गया ये 155 तक, तो जो कि होता है 30, 125, 155, 30। उसके बाद फिर से अब ऐसा हो सकता है कि ये फ्लैग पैटर्न बनाए और उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट देगा फिर हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे अब क्या, जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न पहले जब बना था तो काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिला था स्टॉक में, उसके बाद जब नेक्स्ट बना तो उससे कम हुआ, फिर थर्ड बना तो उससे कम हुआ, तो जो फोर्थ बनेगा उसमें भी ऐसा चांसेस है कि जो हमें मोमेंटम है वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है 20 या 25 रुपए पर शेयर का मोमेंटम मिले, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ चुका है। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 से 6% आप अपनी कैपिटल का अगर खर्च करेंगे इस शेयर में तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, और वहाँ 20 से 25 रुपए पर शेयर का वहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन 22 तारीख का जो रिजल्ट है ना उस पर आपको पहले फोकस रखना होगा, जब रिजल्ट आ जाए अच्छा आएगा तो ही आपके लिए फायदा है, अगर खराब आता है तो शेयर प्राइस नीचे जा सकता है, तो इस पर जरूर फोकस रखिएगा। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके एनालिसिस फर्जी की होती है, एनालिसिस फर्जी की नहीं होती, जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।